हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 25। ये चैप्टर बायोलॉजी का है जिसमें हम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे 11वीं क्लास के हों, चाहे प्लस टू हो जिनके CBSE NCERT हो, ठीक है, चाहे वो यूपी बोर्ड को बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट और भी होगा क्योंकि ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में समझाई जाएगी और जो है स्क्रीन पे दिखाई भी जाएगी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपको नोट्स करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको पता ही है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाए। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th, 10th, 11th, 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हो, ठीक है, चाहे BA, MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज हियर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। इकोसिस्टम इज द सेल्फ अ सबस्टेनिंग यूनिट ऑफ नेचर। इट इज डिफाइंड एज द फंक्शनली इज अ इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ नेचर वेयर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग हिमसेल्फ एज वेल एज विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। इन द नेचर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ द इकोसिस्टम एग्जिट हियर इज अ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द नेचर एज अ टू मेजर कैटेगरी हियर। देयर इज अ फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड द ग्रासलैंड एज एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर लैंड सिस्टम। देयर इज अ पॉन्ड, लेक एंड वेट लैंड्स एंड द सॉल्ट वाटर आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्पल हियर and the crops, land and aquariums are the example of man-made ecosystem. The aquariums are the example and their land is example of is a man-made ecosystem. So here the interaction between the living organism and their environment can be studied in a petals of the water as a whole in the tree, which are the various small ecosystem or in the large ecosystem such as a forest, river and oceans. The respectives of their size, all the ecosystem share a many common characteristics. Let us study of the moderate size pond ecosystem to be understand its structure and function of component. So here is a show in this diagram. There is a solar energy and respiration. There is CO2 and O2 and H2O is here, and transpirations and their feeding is a carbon dioxide, oxygen and H2O. There is a most important diagram here. There is a diagram, the next part of the component of the ecosystem. There are many part here. It is a transition nutrient, abiotic element and decomposer, and the composition of the dead remaining excreted waste and the consumer. There are nutrients as the feedings here. There is the most important for component of ecosystem shown in this picture. They are showing in this figure, there is a pond ecosystem. You can see that it is a solid body of water and the sun as a light is a penetrate into it. It has a sediment as the substrate at the bottom that is a source of nutrition for a living organism. And the living organism in it are small floating plants as the submarines is the vegetation and the rooted plants. There are animals of various size ranging from to the macroscopic to large fishes. All this component of the pond ecosystem can be arranged to be give it a defined structure. Here show the diagram of pond ecosystem. There is most important of pond ecosystem here. There are present of all types of animal, the carnivorous, herbivorous, and the producer, there is a present here. The rooted vegetation is a producer, is a musk grass, and the bacteria and fungus is a reducer, and the basic ignoring
इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से हेयर एंड बटम फ्रॉम टू एवरी वोरस एंड सेडिमेंट और लोटस इज अ कैटरस इज अ कॉर्निवोरस इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर इज कॉर्निवोरस प्रायोरिटी कंज्यूमर देयर इज ऑल टाइप्स ऑफ प्रेजेंट इन दिस पॉन्ड इकोसिस्टम देयर इज अ पॉन्ड इकोसिस्टम से हेयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोस्तों यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आया है पारितंत्र। देखिए पारितंत्र जो है इसका मतलब इकोसिस्टम होता है और इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इकोसिस्टम के पहले ही हमने डेफिनेशन समझा था कि हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं और उनमें जो क्रियाएँ होती है वो इकोसिस्टम का पार्ट होता है। तो यानी हमारे आसपास पाए जाने वाले जीव जंतु को ही हम इकोसिस्टम या पारितंत्र कहते हैं, जो कि बहुत साधारण शब्द था। कहते हैं पारितंत्र प्राकृतिक एक स्वयं पोषी इकाई होती है, क्योंकि यहां पर जो है स्वयं ही जीव अपना जो है अपना आगे का जो है प्रोग्रेशन करते हैं, आगे की क्रिया करते हैं, जिसमें जो है प्लांट जो होता है अपना महत्वपूर्ण योगदान यहां देता है और उसके उपरांत जितने भी जीव जंतु होते हैं प्लांट के बने हुए उत्पादों को अपना भोजन ग्रहण करते हैं और जो है इकोसिस्टम में बने रहते हैं। इसे प्रकृति की एक क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र इकाई के रूप में परिभाषित भी किया जा सकता है, जिसमें जीव पारंपरिक एवं अपने भौतिक वातावरण से क्रिया करते हैं। यानी जो भौतिक वातावरण होते हैं उनके लिए वो सारे क्रियाओं के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। कहते हैं प्राकृतिक में दो मुख्य पारितंत्र पाए जाते हैं, ठीक है, एक है स्थलीय एक है जलीय, यानी टेरिटोरियल्स एंड एक है एक्वाटिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको भी बस इस बात का समझ है कि हमारे जो है सिर्फ दो ही प्रकार के इकोसिस्टम प्रेजेंट हो सकता है, चाहे वो स्थलीय हो जाए या जलीय हो। कहते हैं अगर वन मरुस्थल और चरगाह स्थलीय पारितंत्र की सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप जो है जलीय का लेते हो तो उसमें तालाब झीलें आर्द्र भूमि और लवणीय जल जो है जलीय पारितंत्र कुछ उदाहरण है। स्वयं भूमि एवं जल जीवाशय यानी कोएलियम्स मानव निर्मित परिस्थिति तंत्र के उदाहरण भी हो सकते हैं। देखिए कुछ जो होते हैं मानव निर्मित भी होते हैं, जो इंसान अपनी आवश्यकताओं के लिए जो है पारितंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे हम मैन मेड इकोसिस्टम भी कह सकते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रखता है। अगर बात देखा जाए तो जीव एवं उनके पर्यावरण के जो है अनुक्रियाएँ का अध्ययन कीचड़ या पेड़ के एक कटोरे में किया जा सकता है, जो बहुत छोटे पारितंत्र होते हैं अथवा विस्तृत पारिस्थितिक तंत्र जैसे वन नदी समुद्र में किया जा सकता है। कहते हैं पारितंत्र का कार्य चाहे कुछ भी हो लेकिन सभी के लिए काफ़ी अभिलक्षण एक जैसे ही होते हैं, यानी सभी के सभी वहाँ पर क्रियाएँ करते हैं, प्रजनन करते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं, जो सभी जीवों में सामान्य ही देखने को मिला है। हम मध्यम आकार वाले तालाबों की तंत्र की सहायता से इसकी संरचना एवं कार्यकारी अवयवों को समझने का भी प्रयास कर सकते हैं। देखिए दोस्तों कहते हैं अगर जब तक पारितंत्र में सही व्यवस्था न हो कोई भी जीव जंतु जो है सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे वो हमारा पारितंत्र क्यों ना हो। देखिए यहाँ हमारा पारितंत्र को भी लोगों ने बिगाड़ते ही चले जा रहे हैं, जैसे हर चीज़ की जो है समस्याएँ उत्पन्न होती जा रही है। अगर मान लीजिए अगर हम जीव जंतु के पारितंत्र में भी किसी तरह के डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं तो उनमें से कई जीव जंतु जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि कोई भी पारितंत्र को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए सही रूल रेगुलेशन और नियम होना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, डायग्राम दिखाया गया है, जो कि एक पारितंत्र के अवयव के रूप में आप समझ सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो सभी सोर्स जो है ऊर्जा का जो है सूर्य के प्रकाश ही होता है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्या करता है, जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं और जो भोजन बना के पौधे बड़े होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, तो इसके खाने वाले जीव जंतु जो हैं इसको खा के अपना जीवन यापन करते हैं और जो ये जीव होते हैं उनके दूसरे जीव खा के जो है अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये पारितंत्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ठीक है, जिसमें आरोहण हो या पोषक तत्व हो। कहते हैं यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता है, वाटर यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन किया जाता है, तो जो है अजैविक तत्व भी यहाँ पर उपस्थित होते हैं और कुछ अवघटक भी होते हैं जो अवघटक करते हैं, लेकिन पेड़ पौधों के उत्पादक के रूप में यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इनको भोजन प्राप्त करना, पोषक तत्व और उपभोक्ता के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो डायग्राम है बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। कहते हैं कि डायग्राम में जो आपने देखा वो भी समझाने के लिए पर्याप्त था, लेकिन हम अगर तालाब के पारितंत्र को देखें तो वो भी कई मायने में हमें समझाने के लिए पर्याप्त रहेगा, क्योंकि यह पानी का एक उथला या कम गहरा तंत्र जिसे सूर्य की किरणें भेद सकती है। इसके
तल में जो है अवसाद यानी सेडिमेंट्रीज होते हैं जिसे जीवित प्राणियों को पोषण प्राप्त होता है। इसमें जीवित प्राणियों के रूप में छोटे छोटे तैरते हुए पादप जिसे निमज्जित वनस्पति एवं जड़ों वाले पादप है और सूक्ष्म जीवों से लेकर बड़ी मछलियाँ तक विद्यमान होती है और इन सभी अवयवों को तालाब के परितंत्र को एक निश्चित आकार प्रदान किया जाता है जिसमें हर तरह के जीव जंतु जो हैं सर्वाइव करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। दोस्तों अगर डायग्राम में देखोगे तो ये एक तालाब का जो है पारितंत्र को दर्शाया गया है जो कि काफ़ी मायने में इम्पोर्टेंट है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको पादक लवक उत्पादक जड़ युक्त वनस्पतियाँ उत्पाद मक्स घास या जीव कवक या आधारित कार्बनिक यौगिक तलों में पाए जाने वाले जो है शकरधारी जो होते हैं या मांसाहारी अवसादी कमल कैटरेक्स तंतु लवक सहकारी प्राथमिक उपभोक्ता ठीक है और मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता द्वितीय मांसाहारी तृतीय उपभोक्ता। देखिए हर तरह के जीव जंतु जो है आपको जो है पानी के स्थल पर यानी जलीय तालाब में प्राप्त हो सकता है तो इसी को ही पारितंत्र कहते हैं। देखिए कहते हैं सिंपल अगर लैंग्वेज में आपको मैंने पहले भी समझाया था कि हमारे आसपास जो जीव जंतु पाए जाते हैं जो अपना निर्वाह करते हैं वही पारितंत्र बनाते हैं। लेकिन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है समझाने के लिए आपको जो है तालाब और एक वृक्ष को जो है एग्जाम्पल बनाया गया। कहते हैं पेड़ पौधे के समक्ष जो है कई जीव जो है अपना निवास करते हैं चाहे एक तालाब होता है वहाँ पर हर तरह के जीव जंतु जो है अपना जीवन यापन करते सर्वाइव करते हैं जो कि एक पारितंत्र का ही निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज द स्ट्रक्चर ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम। देयर द अबायोटिक कंपोनेंट्स हियर प्रेजेंट इज अ फिजिकल एंड क्लाइमेटिक रिजिम। देयर इज अ पॉन्ड रिसीव अ सोलर रेडिएशन व्हिच प्रोवाइड्स इट्स द हीट एंड द लाइट एनर्जी फॉर द स्ट्रेन ऑफ लाइफ। देयर इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट हियर इज द लाइट। द लाइट इज द केस ऑफ द वेल इज अ पॉन्ड विद द क्लियर वाटर सन लाइट्स एंड अ पेनिट्रेट up to be a bottoms in a deep upon a penetration of the light depend on their transparency of water the amount of the dissolved suspended particles nutrient and the number of animals and plants are determined to the transparency of their water and control the penetration of light in it. There is a most important for the role on a light of ecosystem and second is a temperature. Here the temperature, the heating effect of solar radiation, the lead to diurnal of day and the night, or the seasonal temperature cycle in the tropical regions here are not be much temperature variation. At the high altitudes there are the remarkable seasonal temperature variation. And the second is inorganic substance. There is inorganic substance is most important here. And these are the water, carbon, nitrogen, phosphorus, calcium, and a few other elements like a phosphorus as phosphorus, sulfur as a phosphorus is depend on the location of the pond, and oxygen and carbon dioxide are is a dissolved state in a water. The all animals and the plant depend on the water from their foods and exchange of gases. There is a inorganic substance here. Yeah, like a water, carbon, nitrogen, phosphorus, calcium. And fifth element is a sulfur and phosphorus. There is a oxygen and carbon dioxide. Also there are inorganic substance here and exchange to the gas. The next is a organic compound. Commonly found organic matter in the pond is the amino acid and the humic acid and their breakdown product of the dead animal and plant tissue. There are partly is dissolved in the water and the remaining are accumulated in the sediment. That is the most important here. The important also here is a biotic component. There is a biotic component is a producer and autotrophs. There is a synthesizes the food all the heterotrophs of their pond. There are following two types is a floating plant and rooted plant. There is the most important plant here is a floating plant and rooted plant. The floating plant is there is called to the photoplankton. Photoplankton is a photo means plant and plankton means floating. For the example, is a Cyprogyra and the Eutrochis and diatoms and Volavex. There is the most important is a floating plant here. The next is a rooted plants and these plants occur in the is a concentric layer from to peripheral to be a deeper zone. Some plants of rooted is a plants are here a type of virulosis and Sativaria and hydrilla rupee
rupias and coda. There's a rupias and coda is here, and there is a rooted plant here. But is the next is a consumer or heterotrophics. They are consumers as heterotrophics. Animals which are fed directly on the autotrophs, example, insect larva, tadpole and snails, or other animals, the sunfishes and the bees. And decomposer here, there is there a distribute in the walls pond, but are most abundant at the bottom of the pond in the sediment is example, bacteria and many different types of microbe. There is the most important here. दोस्तों हमारा टॉपिक जो है तालाब के पारितंत्र की संरचना. देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तालाब के पारितंत्र की संरचना. देखिए संरचना से बहुत सी बातें यहाँ पर इंटरलिंकिंग है, क्योंकि संरचना देखिए जैसे त्रिपान स्टडी सेंटर भी एक संरचना बना रहा है जिसमें हर एक बच्चों को के लिए कुछ ना कुछ यहाँ उपस्थित है जिसको आप फ़ायदा उठा सकते हो. लेकिन ये फ़ायदा तभी उठाया जा सकता है जब ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और इसको जो है वो बच्चे लाभान्वित हो. लेकिन कहते हैं कि मेरे एक प्रयास करने से कुछ नहीं होना है, इसमें आपका भी महत्वपूर्ण योगदान देने की आवश्यकता है. तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ना तो बच्चे घर जाना है, ना उनको बार बार कहना है. आपने सिर्फ इतना अपना अपनी तरफ से करना है कि जो है आपने देखा होगा ये लिंक जो यहाँ पर आप देख रहे हो वीडियो, वहाँ पर लिंक होगा इसका, उस लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है. जिससे क्या होगा, जो भी बच्चों को ये वीडियो की आवश्यकता होगी वो वीडियो लेके वो लाभान्वित होंगे. और हो सकता है कि आपको शुक्रिया अदा भी करें क्योंकि आपके थ्रू वो वीडियो उन तक मिला है. तो ये एक अच्छी बात है जो दूसरे बच्चे को पहुंचने के लिए. देखिए दोस्तों मैं एक बात जानता हूं कि ये वीडियो कई मायने में इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जैसे मर्जी सोचो, लेकिन ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. ये मैं जानता हूं क्योंकि यहां पर हर एक बात को समझाने की मैं कोशिश करता हूं और जो इसको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में सुचारू रूप से और ढंग से समझाने की बात होती है. तो ये कई मायने में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है और ये मुझे पता है कि आपको बहुत समझ में भी आता है. क्योंकि कहते हैं जब तक कोई टॉपिक समझ में ना आए उस टॉपिक का कोई अर्थ नहीं रह जाता है. ठीक है, तो इसमें सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, क्योंकि अच्छे कार्य के लिए विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ कर्म करने की आवश्यकता होती है. तो क्या कीजिए, इसको साइड से लिंक को जो है कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए, जो कि बहुत जरूरी भी है. चलिए कहते हैं तालाब के पारितंत्र की संरचना. तो ये संरचना जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है जिसमें एक अजैविक घटक और जैविक घटक दो तरह के चीज़ें जो होती हैं सम्मिलित होती है. तो इसमें सबसे पहले जो होता है अजैविक घटक. ठीक है, अजैविक घटक जो होती है अबायोटिक कंपोनेंट जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो ये अबायोटिक होते जो अजैविक घटक होते हैं उसमें भौतिक अथवा जलवायी व्यवस्था सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है. इसमें कई रूप होते हैं. कहते हैं तालाब सौर विकिरण प्राप्त करती है. देखिए तालाब में भी सौर विकिरण जाती है और जो है वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं उनको भी जो है ये सन की जो रोशनी होती है वो उनको काफ़ी हेल्प करती है उनको जीवन यापन करने में. जिससे जीवन को बनाए रखने के लिए ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा मिलती है. सिर्फ हमें ही ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जितने भी जीव जंतु हैं इस संसार में सबको एक ही जैसा प्रक्रिया होती है और वही जो है सर्वाइव करते हैं. तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही रहता है प्रकाश का. कहते हैं प्रकाश स्वच्छ जल के उछले तालाबों में सूर्य के प्रकाश तल का जो है पहुंच जाता है और गहरे तालाबों में प्रकाश की वेधन सीमा जल की पारदर्शिता पर निर्भर करती है जो घुले हुए कणों और पोषक और जंतुओं को पादपों की मात्रा द्वारा निर्धारित एवं नियंत्रित होती है. देखिए दोस्तों प्रकाश तब तक नहीं अंदर पानी तक पहुंचेगा जब तक वो साफ सुथरा नहीं होगा. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है. मान लीजिए कचरा भरा हुआ है तालाब में तो क्या उसका प्रकाश जो है जीव जंतु को प्राप्त होगा? शायद नहीं होगा, क्योंकि जो कचरा है वो प्रकाश को जो है रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी उस तक जो है प्रकाश पहुँच नहीं देगी जीव जंतु तक, जिसकी वजह से कई जीव जंतु जो है अपना प्राण को भी त्याग देंगे. तो इसलिए हर जीव जंतु के लिए प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. ठीक है, इसलिए हमें इन चीजों को बहुत संभाल के रखने की आवश्यकता महसूस रहती है. उसके पश्चात है तापक्रम. देखिए टेम्परेचर का भी अपना एक महत्वपूर्ण है. आपको क्या लगता है सिर्फ आप टेम्परेचर सिर्फ आप ही इनहेल करते हो, आप ही लेते हो टेम्परेचर? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है. टेम्परेचर जो है हर एक जीव जंतु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. सभी जीव जंतु चाहे वो पानी में रहते हों चाहे स्थल में रहते हों, दोनों के लिए जो है तापमान बहुत इंपॉर्टेंट रखता है. कहते हैं सौर विकिरणों के ऊष्मीय प्रभाव के कारण दैनिक दिन रात का जो है मौसम जो है ताप चक्रों का निर्माण होती है. उच्च क्रमबंधीय क्षेत्रों में अधिक ताप परिवर्तन नहीं होता है. उच्च अक्षांशों के कारण मौसमी ताप में परिवर्तन अत्यधिक देखने को मिल सकता है. अब उसके पश्चात हमारे समक्ष है
अकार्बनिक पदार्थ। देखिए अकार्बनिक पदार्थ जो होती है इसमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और कुछ दूसरे तत्व जैसे कि सल्फर और फास्फोरस तालाब की स्थिति पर निर्भर करता है, जो कि इनके लिए कई मायने में इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ अवस्था में रहती है, यानी घुले हुए अवस्था में ये तालाबों में पाई जाती है। अगर देखा जाए तो सभी जंतु एवं पादप अपने भोजन एवं गैसों के आदान प्रदान के लिए जल पर निर्भर करते हैं, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जल चाहे मानव हो चाहे जीव जंतु हो, सभी के लिए जल जो है एक अमृत तुल्य माना जा सकता है। कहते हैं अगर कार्बनिक यौगिक देखा जाए तो तालाब में सामान्यतः पाए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ जैसे अमीनो अम्बल और ह्यूमिक अम्बल होते हैं, जो परंतु जिसमें जंतु एवं पादप उसके विवाहन से प्राप्त उत्पाद होते हैं, ये आंशिक रूप से जल में घुले रहते हैं और शेष अवसाद यानी सेगमेंट्री के रूप में जमा रहते हैं। कहते हैं दोस्तों कई चीज़ों जो होते हैं जलों को प्रदूषित कर दिया है, जिसके वजह से जो उसमें एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको सर्वाइव करना बहुत ही कठिन हो गया है। तो कहते हैं इंसान की गतिविधियों के कारण ये जीव जंतु जो हैं दिन प्रतिदिन जो है नष्ट होते जा रहे हैं, जिसमें आज बहुत ही ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उसके पश्चात है जैविक घटक। देखिए जैविक घटक में उत्पाद अथवा स्वयं पोषी आते हैं, ये तालाब के सभी विषम पोषी जीवों के लिए भोजन का निर्माण करते हैं। ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं प्लाबी तैरने वाले पादप और दूसरा जो हो सकते हैं जड़ युक्त पादप, यानी आप कह सकते हो कि एक फ्लोटिंग जो प्लांट हो सकता है, एक जो होता है रूटिंग्स प्लांट्स हो सकते हैं। तो इसमें दोनों चीज़ें जो होती है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं अगर हम पहला देखें तैरने वाले पादप, जिसको हम प्लाविस पादप भी कहते हैं, इसको जो है पादप प्लवक यानी फैटो जो है प्लैंकोटन भी कहते हैं। फ्लाइपो का मतलब होता है पादप और जो है प्लैंकटन का मतलब होता है पलवी या तैरने वाला पौधा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर आप देखना चाहोगे तो इसको गायरा है, यूलोथ्रिएक्सा है, ठीक है, डायटम्स है और जो वाले वक्ष भी इसके रूप में पाया जा सकता है। उसके पश्चात है जड़ युक्त यानी रूटलेस जो पादप होते हैं, ये वो पादप होते हैं जो परिधि से लेकर गहन क्षेत्र में संकेंद्रित परतों में पाए जाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पे आप देखना चाहो इसमें है टाइफा, सेजिटेरिया, हाइड्रिया और रुपिया कड़ा आदि पाया जाता है इसमें। उसके पश्चात हमारे समक्ष है उपभोक्ता या विषम पोषी। देखिए उपभोक्ता या विषम पोषी ऐसे जंतु जो सीधे स्वयं पोषी जैसे कीट, लार्वा, टैडपोल, स्नेल या अन्य जंतु जो है स्नेफिश और वास का भक्षण करते हों, उसे उपभोक्ता या विषम पोषी कहते हैं। यानी देखा जाए जो कीट पतंगों को खा के अपना जीवन जो है बिताते हैं, उसे हम जो क्या कहते हैं उपभोक्ता यानी विषम पोषी में आता है। और अवघटक का मतलब होता है कि जो मरे हुए चीज़ों पर जो है जीवित रह के और उसका जो है अवघटक कर देता हो। जब सारे तालाब में पाए जाने वाले लेकिन मुख्यतः तालाब की तली के अवसाद में विद्वान होते, उदाहरण जीवाणु और अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव जो होते हैं अवघटक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहती है। द नेक्स्ट इज इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। देयर इज द इकोसिस्टम इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इकोसिस्टम आर कैपेबल ऑफ द प्रेसाइडिंग्स एंड द इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ नेचर। इन द फ्लोइंग पार्ट ऑफ द लेसन यू विल बी लर्न अबाउट देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स आर रिजल्ट इन द फिजिकली स्ट्रक्चर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ईच टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फीचर आर स्पीसीज इज अ कॉम्पोजिशन टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड द सर्टिफिकेशंस। सर्टिफिकेशन मीन टू द वेरिटिकली एज अ वर्टिकली एंड हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑक्यूपाइंग ऑफ डिफरेंट लेवल देयर आर सर्टिफिकेशन हियर। एंड द अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स थ्रू अ फूड रिलेशनशिप ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। देयर आर सर्वर ट्रॉपिकल लेवल एग्जिट इन देयर इकोसिस्टम एंड दिस फीडिंग द रिलेशनशिप कैन बी स्टडी एज अ फूड चैन, फूड वेव एंड स्टैंडिंग क्रॉप। दिस स्ट्रेटेजिक कॉम्पोनेंट फंक्शन एज अ यूनिट एंड प्रोड्यूस अ कंटेन द फंक्शन एक्सेप्टेड ऑफ द इकोसिस्टम एंड द सम दिस एक्सेप्ट हेयर। तो शो दिस डायग्राम अ प्रोडक्टिविटी एनर्जी फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। द टर्शियरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड प्राइमरी कंज्यूमर एंड द लास्ट इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। देयर इज नेक्स्ट इज अ फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल इज द टॉप कार्निवोरस एंड थर्ड ट्रॉपिकल लेवल इज अ कैर्निवोरस एंड सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल इज अ हर्बिवोरस एंड द फर्स्ट इज द ट्रॉपिकल इज द कंज्यूमर। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट द हियर एग्जांपल आल्सो रिप्रेजेंट।
द फर्स्ट इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर इज एंड द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल प्लांट इज अ ब्लैक कॉटन ग्रास ग्रीन ट्री एक्सेट्रा एंड द प्राइमरी इज अ कंज्यूमर देयर इज द सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल इज अ हेरबोरस देयर ब्लैक कॉटन ग्रास कॉपर द ग्रास हॉपर एंड अ काउ एंड द थर्ड ट्रॉपिकल लेवल इज कार्निवोरस इज अ बर्ड्स फिश एंड वर्म एंड देयर इज द लास्ट इज द फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल मीन्स टॉप कार्निवोरस मीन मैन एंड द लायन। दोस्तों यहाँ पर पारितंत्र की संरचना एवं कार्य के विषय में जो है हम विस्तार से जानेंगे कि पारितंत्र की संरचना एवं कार्य किस प्रकार है। हमने बहुत सी बातें पढ़ी और जानी है कि प्राकृतिक एक इकाई के रूप में पारितंत्र अपना स्वयं जो है स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने जाना और भी है कि पारितंत्र संरचना एवं कार्य के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत जरूरी रहता है। कहते हैं प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र के लिए जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो अनुक्रियाओं में भौतिक संरचना अविलक्षण तथा उद्भव होती है। कहते हैं मुख्य संरचना अविलक्षण जातीय संगठन स्पीसीज कॉम्पोजिशन पादपों एवं जंतुओं के प्रकार के रूप में होती है, यानी इसको हम सत्रीकरण कहते हैं यानी सर्टिफिकेशन कहते हैं। कहते हैं विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों का जो है उद्भव एवं क्षैतिज वितरण होती है, यानी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल के रूप में ये जरूर पाया जाता है। कहते हैं किसी एक पारितंत्र में अनेकों पोषण स्तर का जो अस्तित्व होता ही होता है। इन खाद्य संबंधों का जो है श्रृंखला यानी फूड चैन के नाम से जाना जाता है। और यहाँ खाद्य श्रृंखला हो या फूड वेब हो यानी खाद्य जाल हो या खड़ी फसल हो के रूप में अध्ययन किया जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संरचना घटक एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और पारिस्थितिक तंत्र के निश्चित जो है कार्यकारी पहलुओं के जन्म देते हैं। जैसे कि यहाँ चित्र में भी आप यहाँ समझ सकते हो फ्लो डायग्राम में, जहाँ पर हर बातों को जो है पोषण चक्र को समझाने की कोशिश किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जो है अगर आप देख सकते हो डायग्राम में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात को यहाँ दर्शाने की कोशिश किया गया है। अगर यहाँ हम प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राथमिक प्राइमरी कंज्यूमर के बारे में बात करें, तो प्राथमिक उपभोक्ता आता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता ही रहेगा, दूसरा द्वितीय उपभोक्ता में चला जाएगा और फिर तृतीय उपभोक्ता में चला जाएगा। अगर हम मांसाहारी शाकाहारी के रूप में बात करें, तो आपको पता है प्रथम पोषण स्तर पर जो है पादप आती है, ठीक है, द्वितीय पोषण स्तर पर शाकाहारी आती है और तृतीय पोषण स्तर पर जो है मांसाहारी आती है, लेकिन चौथी स्तर पर जो है सर्वहारी आती है, जिसे सर्वाधिक मांसाहारी कहते हैं या इसको हम सर्वहारी कहते हैं, जो हर चीज़ों को खा सकता है। अगर देखा जाए तो प्रथम पोषण स्तर में जो है पादप लवक और घास और वृक्ष इसमें सम्मिलित है, जो प्रकाश की रोशनी में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही अपना जीवन यापन करते हैं। और दूसरा जीव जो होता है यानी जिसमें द्वितीय पोषण स्तर पर आती है, वो शाकाहारी कहलाते हैं, जो जल लवक और टिड्डा या गाय हो सकता है, जो कि पहले वाले पर निर्भर होते हैं, यानी पादप पे ये जीव जंतु जो होते हैं निर्भर होते हैं। लेकिन तृतीय पोषण स्तर में इसका और भी चला जाता है, जिसमें मांसाहारी जीव जंतु आते हैं, इसमें पक्षी मछलियाँ भेड़िया सब कुछ सम्मिलित होता है। और इसमें दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट रहती है कि ये जो होते हैं शाकाहारी पर निर्भर होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं उन पर सारे जीव जंतु जो होते हैं निर्भर होते हैं। लेकिन कहा जाए अगर चौथी की बात किया जाए, जहाँ सबसे ऊपर मानव और जो है सिंह आता है, जो लायन आता है, टाइगर आ सकता है, तो इसमें सारे जीव जंतु को ये खाने के अपना सक्षम क्षमता को दर्शाता है, जो कि ये बात साबित करता है कि इंसान सबसे ऊपर है, जो सभी जीवों के लिए जो खतरा का भी सबब बन सकता है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीसीज कॉम्पोजिशन। द स्पीसीज कॉम्पोजिशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ कम्युनिटी इज द असेंबलेज ऑफ मैनी a population that is a living together at the same place and the time, for example, as a tropical forest is a community consists of tree and the winds and the herbs and the shrubs is along with there a large number of different species of animal. This is known as the species compositions of tropical forest ecosystem. There is a vines, herbs and shrubs is called to their tropical forest ecosystem. The each ecosystem has its own specific composition depending upon to the suitability of the habitats and their climate. That is the most important here. If you compare of animal and plant population of the forest, they entirely are different from those of the grassland. Not only there are types of species difference in the two ecosystem, but even there is a total number of biomass is various. And the various area of forest ecosystem support a much larger number of species of plant and animal and than a grassland.
द टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द स्पीसीज इन द कम्युनिटीज डिटरमाइन इट इज द स्टेबिलिटी ऑफ इको सिस्टम बैलेंस देर इज द इको सिस्टम इक्विलिब्रियम देर इज कॉल्ड टू द इको सिस्टम इक्विलिब्रियम. The next head is the certification. Certification is a topic here is the most important. Other vertically and horizontal distribution of plant, it is an ecosystem. It's called ecosystem certifications. There is the most important. There are distribution of the horizontal and vertically is there plant in ecosystem. It is called to the ecosystem certification. And the you would be have to observe that a plant are different height in a forest. The tallest tree make the top of canopies and this is followed by the short tree and the shrubs and there is the forest floor is the covered with the herbaceous grasses and the some is the roving animal like a underground in their tunnels are on the root of the plants and the each layers from the tree top to the forest is a floor and has the characteristics of fauna and flora. And this is termed to the vertical certification of the forest is ecosystem. And there on the other hand is a desert ecosystem showing to the discontinuous layer of the scant vegetation and animals with the some bare a patch of the soil showing in the types of horizontal certification. दोस्तों यहाँ पर बात आ गया है प्रजाति संगठन का. देखिए हर जीव जंतु हो चाहे इंसान हो चाहे जीव जंतु हो सब में जो है संगठन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है. कहते हैं किसी एक स्थान एक समय में पाए जाने वाले अनेक विशिष्टों के समूह को समुदाय कहते हैं. यानी एक ही जगह कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसको ही समुदाय कहते हैं कम्युनिटी कहते हैं. जैसे इंसानों में भी होता है कि एक सोसाइटी कब कहलाती है जहाँ पर कई प्रकार के लोग रहते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं उसी को कम्युनिटी भी कहा जाता है. उदाहरण एक अगर उष्णकटिबंधीय एवं वन समुदाय में पेड़ लताएं शाख और झाड़ियां विभिन्न प्रकार के जंतुओं को जातियों के समूह का जो संगठन कहा जा सकता है. आवास की उपयोगिता और जलवायु के आधार पर प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र का अपना एक संगठन होता है. यदि आप एक वन एवं चरगाहों के जंतु एवं पादप समिष्टि की तुलना करें तो आप पाओगे कि सर्वथा विभिन्न है. इन दो पारिस्थितिक तंत्रों में न केवल जातीय प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है वरन उनकी कुल संख्या एवं जैव पदार्थों में भी विभिन्नता देखने को मिलता है. कहते हैं एक वन पारिस्थितिक तंत्र में एकाधिक पादप एवं जंतु जातियों को जीवन का आधार प्रदान करता है जबकि चरगाहें अपेक्षित कम पादप एवं जंतु को जातियों को जीवन का आधार प्रदान करता है. एक समुदाय में कुल जातियों की संख्या एक प्रकार से इसके अस्तित्व और पारितंत्रिक संतुलन को निर्धारित करती है. कहते हैं अगर किसी जगह पर आपको सर्वाइव करना है तो वहाँ पर हर एक चीज़ का अपना एक महत्व है तभी जाके उस पारितंत्र में जो है सभी चीज़ का बैलेंस बन सकता है. अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो वो जीव जंतु जो है सर्वाइव नहीं कर पाएगा चाहे ये इंसान पर लागू हो चाहे जीव जंतु पर लागू हो. कहते हैं इंसान भी वही सर्वाइव कर पाता है जो हर संघर्ष से जो है अच्छे से मुकाबला कर सकता है. जो अच्छे से पढ़ता हो जो अच्छे से समझता हो वही व्यक्ति जो है आगे चल के अपना सर्वाइव करने के लिए सक्षम होगा. क्योंकि आपको पता है कि समय इतनी बलवान हो गई है कि इतनी महंगाई हो गई है कि लोग जो है परेशान हो चुके हैं. लेकिन कहते हैं यहाँ पर वही व्यक्ति आप सर्वाइव कर सकते हैं जो हर चीज़ में सक्षम हो और हर कंडीशन में ढलने के लिए तैयार हो क्योंकि समय ही बदलता जा रहा है. कहते हैं हम इतनी आधुनिकता में खोते चले जा रहे हैं कि हमारा अपना अस्तित्व भी आज मिटने पे लगा हुआ है. तो यही बात यहाँ आगे हमारा अगला टॉपिक दर्शाता है जो बताता है कि सतहीकरण. देखिए सतहीकरण वही एक पार्ट होता है जिसमें अगर हम इसको आर्ट्स के सब्जेक्टों में पढ़े तो जानेंगे कि सतहीकरण का मतलब ही होता है ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाना. तो ऊंच नीच का मतलब यहाँ पेड़ पौधों में आएगा जहाँ पर आपको पता है कि हर प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो. ठीक है तो ये कहते हैं ना हर जगह शब्द तो वही रहता है सिर्फ इसका जो है अर्थ हर जगह थोड़ा चेंज कर दिया जाता है. ठीक है अगर आप इसको आर्ट्स में लोगे तो इसको इसका मतलब होता है ऊंच नीच का भेदभाव पाया जाना ऊंचे जाति और निम्न जाति का को कहते हैं हम सतहीकरण. अगर हम यहाँ पर ले तो यहाँ बायोलॉजी में ले तो इसका मतलब होता है कि पेड़ पौधों में जो लंबाई उसकी चौड़ाई उसके रंग रूप में जो डिफरेंस पाए जाते हैं उसी को सतहीकरण का यहाँ पर नाम दिया गया है. कहते हैं एक पारितंत्र में पादपों का जो है उद्भवधार और क्षैतिज वितरण पारिस्थितिक सतहीकरण कहलाता है. यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है उद्भवधार और जो यहाँ पर होता है क्षैतिज इन्हीं चीज़ को जो है पारिस्थितिक सतहीकरण कहलाता है. आपने देखा ही होगा कि वनों में विभिन्न ऊंचाई के वृक्ष होते हैं सबसे बड़े पेड़ शीर्ष छत छतरी का निर्माण करते हैं इसके बाद छोटे
पेड़ होते हैं, झाड़ियाँ, शाक, घास पाई जाती है। तो ये सारे सत्यीकरण के ही अंतर्गत आता है। कुछ बिल बनाकर यानी जखोदे, कुछ बिल बनाकर रहने वाले जंतु जमीन के नीचे वृक्षों के जड़ों में भी रहते हैं। तो यानी हर तरह के जीव जंतु जो है यहाँ पर पाया जाता है। कहते हैं वृक्ष के शीर्ष से लेकर वन धरातल तक प्रत्येक स्तर की अपनी अभिलक्षणिक प्रजाति यानी फना और जो है फ्लोरा यानी पादप जात होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ फना का मतलब प्राणी जात होती है और फ्लोरा का मतलब होता है पादप जात। कहते हैं इसे वन परिस्थितिक तंत्र का ऊर्ध्व स्थितिकरण कहलाता है और दूसरी ओर मरुस्थलीय परितंत्र में अल्प अनियमित पादप एवं जंतु सतर पाए जाते हैं। इन तंत्रों को क्षैतिज स्थितिकरण भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर तो जंतु एवं पादप भी पाए जाते हैं। तो ये स्थितिकरण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द ऑल क्लास, देयर इज द फूड चैन। देयर इज द फूड चैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। द ट्रांसफर ऑफ द फूड फ्रॉम अ प्लांट एट अ प्रोड्यूसर थ्रू देयर सीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द रिपीटेड ईटिंग एंड बिगेन इट इज कॉल्ड टू द फूड चैन। देयर इज अ शो इन दिस डायग्राम हियर अ ग्रास, देयर ग्रासेस इज द ईटिंग बाय द ग्रास हॉपर। द ग्रास हॉपर हैज द फ्रॉग इज ईटिंग टू द ग्रास हॉपर एंड स्नेक ईटिंग फॉर द फ्रॉग्स एंड द ईगल ईटिंग टू द स्नेक। देयर इज द मेकिंग ऑफ द फूड चैन। देयर इज अ फूड चैन इज द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म देयर रिपीटिंग ईटिंग। There is simple language. There are a series of organisms with a repeating eating. It's called to the food chain. This each step is a food chain is called tropical level. In the above example, grass is a first, and the eagle represents a fifth tropical level. There is a different size and different category. And some more example of food chain is given here. The here show the first diagram is a grassland. There P is a producer. There is the grass is a P and H is the herbivorous and C is a carnivorous. There is the most important diagram showing the first. There is a grass as a rat and the snake and the eagle. But other side there is a pond that is eating for their other types of animal. And the last is a forest. The forest eating to the as a deer and eating for the lions also in the deer. There is a most important is a food chain here linked for the each other. So here the three important features that you can be note in these chains are: the first is a bigger organism are attacked by their stronger organism. There is a natural phenomenon. There is a big organism attacked by the stronger organism, and their number of organism is reduced at the each higher level, but the size of organism is increasing. And their third fact here, there the number of step is a food chain is limited to 4 to 5. There is a maximum here, the 4 to 5 is a food step in the all food chains here. The first is the food chain consists of flowing tropical level. The first is a producer. Producer means is autotroph. There is a producer food for all other organisms of the ecosystem. The autotrophs is represent the first tropical level. They are the larger greens plant. They convert to inorganic substance by the process of the photosynthesis into the food. There is the organic molecules. And in the presence of sunlight, the total rate at which is their radiant energy is stored by their process of photosynthesis in their green plants is called a gross primary productivity, means GPP. There is a gross primary productivity is a GPP. And this is known as the total photosynthesis. That is also called to the total photosynthesis. A part of this gross primary productivity is utilized by their plant for their own metabolism. There is a own metabolism and maintenance and reproductions. The energy required for their all this function is produced by the process of respirations. The remaining of stored by them as the net primary productivity means NPP. There is a net primary is a productivity. Productivity and the available for their heterotrophy is a consumer. There is a next as a tropical level. Here to show the equation, the GPP is equal to NPP plus R. It means to GPP minus R is equal to NPP. There are productivity in the biological system is a consist of a process, but it is different
इन अ डिफरेंट इकोसिस्टम। देयर इज सेकंड इज हियर प्राइमरी कंज्यूमर हर्बिवोरस एंड दिस आर एनिमल विच फीड डायरेक्टली ऑन द प्लांट एंड दे आर अ फर्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर एंड देयरफॉर दे आर नोन एज अ प्राइमरी कंज्यूमर एंड मेक द सेकेंड ट्रॉपिकल लेवल इन द फूड चैन। एग्जाम्पल इज अ ग्रास हॉपर इन द अबव एग्जाम्पल एंड अदर एग्जाम्पल आर इंसेक्ट बर्ड्स रोडेंट एंड रेमिनेंट्स एंड द हर्बिवोरस इज कैपेबल टू कन्वर्टेड एनर्जी स्टोर्ड इन द प्लांट टिश्यू इन टू द एनिमल टिश्यू एंड देयरफॉर दे आर नोन एज द की इंडस्ट्रीज। दे कैन डाइजेस्ट हाई सेलुलोज डाइट एंड द नेक्स्ट इज द थर्ड इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस। देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर द कार्निवोरस आर एनिमल दैट फीड ऑन द अदर एनिमल इट इज अ टिश्यू एंड देयर फॉर देयर आर सेकेंडरी टेरिटरी एंड कोडेंट्रीज इज अ लेवल कंज्यूमर। फ्रॉग इज अ सेकेंडरी लेवल कंज्यूमर एज अ फीड ऑन द हर्बिवोरस इज अ ग्रास हॉपर एंड स्नेक इज अ टेरिटरी लेवल कंज्यूम द सेम इट इज अ कंज्यूम अदर कार्निवोरस दैट अ फ्रॉग। द फ्रॉग स्नेक डॉग and cat and tiger are all the carnivores. Generally, the size of carnivores increasing at the each tropical level. There is the most important here. And the it last is the decomposer. Decomposer is the most important here. And they make to the final tropical level is the food chain. It is a decomposer. Are there organisms that feed on the dead organic matter called to tetras, composer and bacteria fungi and the mites of the millipedes and the earthworm is the nematodes and the close crabs and the molluscs. There is the most important here. There is the a feeding of the dead organic matter. There is a decomposer. The decomposer are there a feeding of dead organic matter. So here is the most important. The special feeding groups is a consumer. The first is a skinvaser. Skinvaser is here. There are the animal that feed on the dead plant and animals. Example, termites and the beetles feed on the declined bones and many marine invertebrates is the vulture, gulls and the henna. There are other example of skinvasers. There is the most important word for the skinvaser. And the next is a omnivorous. Omnivorous is there. Is the consume to both plant animal as a source of their food. The human being, some of the omnivores like the red fox, is a feed on the various as a small rodent as well as on the dead animal. That is the herbivorous, is the carnivorous and the scarabaeus. And the last is the parasite. Parasites is here. They live on the feed on the other living organism. It's called host. And the parasite not only feed on their host, but they're also causing their lethal and non-lethal disease in it. The B point is the position of the human beings in the food chain. The human beings are a consumer and many occupy. The primary and secondary and tertiary level, the vegetarians is a people are primary consumer. When they consume small fish, chickens and goat meat, there are secondary consumers. And there is a consumer of big fish, they are a secondary consumer. Can you explain why the big fish feed upon small fish and other animal, aquatic animals? That is the most important for you. दोस्तों हमारा यहाँ पर टॉपिक आया है खाद्य चैन। देखिए फूड चैन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे क्या होता है एक दूसरे के साथ जो है हर चीज़ जुड़ा हुआ होता है, एक के बिना एक अधूरा होता है। जैसे आपको पता ही है कि त्रिपान सेंटर अधूरा तब तक रहेगा जब तक आप लोगों की संयोग नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि कहते हैं ना एक जीव सर्वाइव कहीं नहीं कर सकता, चाहे वो जीवन की संघर्ष में हो चाहे वो पर्यावरण में हो, हर जगह जो है एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए त्रिपान सेंटर जो है हमेशा यही बात आपको कहता है कि जब भी वो मौका मिले आपने जो है इसका लिंक व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाना है, क्योंकि इससे ये होता है कि जो बच्चे आगे मेडिकल करना चाहते हैं लेकिन उनके इंग्लिश इतनी भयंकर होने के नाते उनको समझ नहीं आता है, कई टीचर तो ऐसे इंग्लिश बोल रहे होते हैं जो आधे वर्ड होते हैं और आधे वर्ड निकलते ही नहीं हैं, जो बच्चों को भी पल्ले नहीं पड़ता है। आप सोचते होंगे ये सब कैसे है पता मुझे। देखिए दोस्तों मैं भी एक विद्यार्थी रहा था और मुझे भी ये सब बातों का ज्ञान है, मैं हर एक फील्ड में जा चुका हूँ और देख चुका हूँ कि वहाँ पर क्या कंडीशन होती है। तो ये कंडीशन जैसे मैंने सामना किया है
वैसे आप लोग भी सामना कर रहे होंगे और बहुत से बातें आपको पढ़ने नहीं पड़ रहा होगा। तभी तो त्रिपाण सेंटर आपके लिए जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किया जाता है और साथ में जो डिस्प्ले होती है आपको वो भी हिंदी इंग्लिश में होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और ये आपके लिए समझ के लिए भी ज़रूरी है। कहते हैं जब बच्चे एडमिशन कराते हैं तो टीचर जो होते हैं उनको बहुत तरह के प्रतावने देते हैं कि आप नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते, आप हिंदी मीडियम में थे, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे की मैडम को कहने से, टीचर के कहने से आप जो हो अपने सपनों को अधूरा छोड़ के चले जाओ। कहते हैं ये त्रिपाण सेंटर के साथ जो बच्चे जुड़ते हैं वो कभी ये बात नहीं सोचते हैं, ठीक है। आपको जो है आगे अच्छा से अच्छा करना है तो ये तब होगा जब आपके अंदर हौसला होगी, और हौसला कौन दे रहा है? त्रिपाण सेंटर दे रहा है, क्योंकि ये आपके ही लैंग्वेज में और आपके लिए ही समझ के साथ ये वीडियो सब बनाई जा रही है, जिसको समझना आपके लिए अति कठिन नहीं होगा, चाहे वो इंग्लिश में होगा चाहे हिंदी में होगा। दोनों ही लैंग्वेज बहुत ही साधारण है और बहुत ही सुचारू है, जिसको समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने चैन बनाना है, ठीक है। जैसे फूड वेब बन जाता है, फूड चैन बन रहा है, वैसे ही आपको फूड चैन की तरह ही बनना है। अगर मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ तो आपका फ़र्ज है कि वो वीडियो दूसरे तक पहुँचाने के लिए आप व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दें। अब उनका फ़र्ज ये बनता है कि वो व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा के आगे इसको फॉरवर्ड कर दे। तो इससे क्या होता है, ये फूड चैन बनता है। देखिए दोस्तों, ये कोई देशद्रोह की बात नहीं है, ना कोई गलत बात है, ये तो सिर्फ है दूसरे बच्चे तक जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, जिनको ये टॉपिक समझना है, उनके लिए है। कहते कई बच्चे तो डर भी जाते हैं कि भाई फॉरवर्ड मैं क्यों करूं। देखिए दोस्तों, गलत बातें ये नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई की बात है, शिक्षा की बात है, इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है जिससे आपको डरने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ गलत बातें होती है तो आप आंख बंद करके फटाक से वो कार्य कर जाते हो, लेकिन अच्छे बात करने के लिए आपको 75 बार सोचने की ज़रूरत पड़ता है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समय बदल गया है। आज कहते हैं सच के राह पर चलने वाले की बहुत ही कमी है, क्योंकि आज सच की बातें तो सब करते हैं लेकिन चलने वाले कोई नहीं होते हैं। जब भी सच की बातें आती है, कड़वी समझ के वो लोग नहीं घोट पाते हैं। आप अगर, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप कभी भी होगा कोई सच्चाई किसी को बोल के देखना, आपको उसी समय वो जो है नकार देंगे और गलत आपको साबित कर देंगे 2 ही सेकेंड में। कहते हैं सच जो है बहुत अच्छी है, लेकिन कहते हैं हमेशा ये कड़वी के रूप में लोगों को आज के समय में प्रेजेंट है। लेकिन कहते हैं पहले के समय में सत्यवादी लोग हुआ करते थे, सत्य के साथ चलते थे, लेकिन आज कहते हैं कि इतने लोग झूठ बोल रहे हैं और इतने गलत कर रहे हैं कि आज तो सच जो है मिटता ही जा रहा है। लेकिन मुझे विश्वास है, कहते हैं सब मिट जाएगा लेकिन सत्य कभी नहीं मिटता है। हाँ बेशक ये सत्य कम जाता है लोगों के कारणों की वजह से, लेकिन एक दिन हमेशा सत्य की ही जीत होता है। तो आपने भी त्रिपाण सेंटर को जीत के रूप में आगे लेके चलना है, तो इसीलिए क्या करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे पेस्ट करना है। देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आ गया है वो है खाद्य श्रृंखला, यानी फूड चैन। देखिए फूड चैन जो है पादपों में आरंभ करते हुए क्रमशः उच्चतर पोषण स्तरों में खाद्य का स्थानांतरण, जिसमें उच्च पोषण स्तर के प्राणी अपने निरंतर पोषण स्तर के प्राणी के भक्षण करते हैं। तो ये तो बात जर्नल सी है कि अगर पौधा है तो पौधे के दूसरे जीव जो खाने वाले होते हैं वो खाएंगे, तभी तो उनका जीवन यापन होगा। तो इसी को ही फूड चैन कहते हैं, जिसमें एक चीज़ को दूसरा चीज़ खा रहा होता है और वो चीज़ को दूसरा खा रहा था उसको वो खा रहा होता है। तो इसमें लास्ट में तो इंसान ही है, इंसान को खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए इंसान जो है लास्ट कैटेगरी में इसमें आता है, ठीक है। जैसे आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए घास दिखाया गया है, टिड्डा दिखाया गया है, मेढक दिखाया गया और सांप दिखाया गया है, और जो है लास्ट में आपको बाज या गिद्ध दिखाया गया है। तो ये जो है एक तरह से फूड चैन बना रहा है, ठीक है, एक साथ एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। कहते हैं अगर आप इसमें से किसी को भी हटा दोगे ना तो पूरा फूड चैन जो है बिगड़ जाएगा, और कहते हैं संसार भी ख़त्म हो जाएगा अगर इनमें से एक भी चीज़ को अगर डिस्टर्ब कर दिया। मान लीजिए अगर मैं घास को यहाँ से हटा देता हूँ, अगर घास को अगर आप हटा दोगे तो जितने भी जीव घास पर निर्भर हैं सारे के सारे मर जाएंगे और जो है पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने मेढक को ही हटा लिया तो मेढक को खाने वाले जितने भी जीव होंगे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि फूड चैन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसमें हर एक जो है जीव का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहते हैं खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक जो है सोपान पोषण स्तर यानी ट्रॉपिकल लेवल कहलाता है, और उपभोक्ता उदाहरण में घास प्रथम और जो है बाज और प्रथम भोजन स्तर के प्रतिनिधि करते हैं, ठीक है। अगर चित्र में आप देखोगे तो यहाँ पर एक चित्र दर्शाया गया है,
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहला में जो दिया हुआ है घास का मैदान, देखिए घास के मैदान के रूप में यहाँ पर कैसे जीव जो एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, पौधों पर चूहा निर्भर है और चूहा पे जो है सांप निर्भर है, सांप पे जो है आप जो है गिद्ध या ईगल निर्भर है। अगर तालाब में देखा जाए तो तालाब में आप अगर आप देखोगे तो पहले जो पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको खाने वाले छोटे छोटे कीटे पतंग होते हैं, और उसके बाद मछलियां उनको खा जाते हैं और मछलियों खाने वाले जो है बगुला सबसे ऊपर बैठा पड़ा है, ठीक है। तो इस तरह जो है तालाब में जो एक सिस्टम चलती है, पहला जो था घास के मैदान में चलता है, दूसरा जो है तालाब में चलता है, और तीसरा जो है वनों में चलता है जहाँ पर पेड़ पौधों खाने वाले हिरण होते हैं और जो गाय भैंस सब खाने वाले होते हैं और उनका खाने वाले जो होते हैं टाइगर होते हैं। तो इस तरह जो है वनों में जो है अपना फूड चेन चलता है। तो यहाँ पर जो है हर टाइप्स के फूड चेन आपके समक्ष दर्शाया गया है। अगर देखा जाए तो इन श्रृंखलाओं को आप तीन महत्वपूर्ण विषय पर देख सकते हैं। पहला तो निर्बल जीव पर शक्ति जीव पर आक्रमण करते हैं, ये तो जर्नल सी बात है कि जो निर्बल जीव होते हैं उसमें शक्तिशाली जीव जो है अटैक करके उनको मार के अपना भोजन ग्रहण करते हैं। प्रत्येक उच्चतर पोषण स्तर पर जो है प्राणियों की संख्या कम होती जा रही है जबकि आकार में वृद्धि होता रहता है। तो कहते हैं हर चीज़ जो है अपने सर्वाइव करना जानती है और तभी वो जो है नेचर में बनी रहती है। उसके बाद खाद्य श्रृंखला में जो है समापनों की संख्या 4 से 5 तक सीमित रहती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसके लेवल जो होते हैं मुश्किल से 4 या 5 तक ही जाते हैं, उसके बाद नहीं जा पाते हैं, क्योंकि तो जर्नल सी बात है कि 4 और 5 काफ़ी हद तक मान्य रखता है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि जैसे कि आपने खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित पोषण स्तर के बारे में पढ़ा है तो इसमें कौन कौन से पोषण स्तर है तो उसको जो है विस्तार से हमें जानने का मौका मिला है। सबसे पहले आता है स्वयं पोषी यानी उत्पादक। ये पारितंत्र में सभी अन्य प्राणियों के लिए खाद्य उत्पन्न करते हैं, कहते हैं स्वयं पोषी प्रथम पोषण स्तर की प्रतिनिधि होते हैं और ये मुख्यतः हरे पादप होते हैं जो प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पदार्थों को खाद्य पदार्थ यानी कार्बनिक अणु में रूपांतरित कर देते हैं। तो ये जो है खाद्य पदार्थ को रूपांतरित करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसे पुण्य प्रकाश संश्लेषण भी कहा जा सकता है। हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा जो है विकिरण ऊर्जा के संग्रहण की कुल दर को जो है समग्र प्राथमिक उत्पादकता यानी इसको हम GPP कहते हैं यानी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, जिसमें वो क्या करता है विकिरण ऊर्जा को संग्रहण करता है, इकट्ठा करता है, तो उसकी कुल दर को जो है हम क्या कहते हैं जो है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। इसका एक अंश पादपों द्वारा अपने उपचय रख रखाव या जनन में प्रयुक्त भी होती है, यानी ये एनर्जी को वो लोग क्या करते हैं रख रखाव यानी आने वाला समय में इसको इस्तेमाल भी करते हैं। इन सभी कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा श्वसन प्रक्रिया द्वारा ही उत्पन्न होती है, यानी जब सांस लेते हैं तो इससे जो है ऊर्जा मुक्त होती है। और कहते हैं शेष भाग शुद्ध प्राथमिक उत्पाद यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी NPP के रूप में जो है संग्रहित किया जा सकता है, जो कि अगले पोषण स्तर पर जाता है, यानी NPP जो दोस्तों होता है वो अगले स्तर पर जाता है, लेकिन अगर GPP देखा जाए तो ये संग्रह होता है यानी एनर्जी इकट्ठा करने का एक तरीका होता है जिसको हम ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं, लेकिन जो दूसरे स्तर में जाता है वो जाता है NPP यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि समग्र प्राथमिक उत्पाद प्लस नेट प्राथमिक उत्पाद प्लस श्वसन, अगर हम सिंपल देखें तो इसको क्या कहा जा सकता है, इसमें समग्र प्राथमिक उत्पाद माइनस श्वसन, इसका मतलब होगा शुद्ध प्राथमिक उत्पाद। अगर हम सिंपली लैंग्वेज में देखो तो GPP इज इक्वल टू NPP प्लस R, लेकिन अगर आप GPP और माइनस R करोगे तो NPP हो जाता है। तो ये काफ़ी समझाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आपको पता है कि GPP जो होती है वो ऊर्जा संग्रहालय होती है यानी इकट्ठा होता है, लेकिन NPP जो होता है ऊर्जा जाने वाला होता है, लेकिन अगर हम जाने वाला होता है अगर दोनों को हम क्रिया कराएं तो जाने वाला प्राप्त होती है। तो कहते हैं जब तंत्र में उपयोगता है सतर्क प्रक्रिया है, लेकिन अलग अलग पारितंत्र तंत्रों में ये अलग अलग होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ पर रखती है। यहाँ पर बताया गया सबसे पहली बात प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है दूसरी नंबर पे, ये प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, ये जंतु अपना भोजन सीधे ही पादपों से लेते हैं, ये प्रथम स्तर के उपभोक्ता होते हैं, अंततः प्राथमिक उपभोक्ता भी कहलाते हैं और ये द्वितीय पोषण स्तर के निर्माण करते हैं, जैसे टिड्डा इसका उदाहरण है। अन्य उदाहरण में कीट पंक्षी कुतरक व जुगली करने वाले जानवर शाकाहारी प्राणी, क्योंकि पादप में संग्रहित ऊर्जा को जंतु के उत्पादों उत्कों में परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। अंततः इन्हें मूल्य उद्योग यानी की इंडस्ट्री भी कहा जाता है, ये उच्च सेलुलोज आहार को पचाने में काफ़ी सक्षम होते हैं, क्योंकि आपको पता है पेड़ पौधों में काफ़ी जो होता है सेलुलोज होता है जिसको पचाने में काफ़ी सक्षम होते हैं।
उसके पश्चात है तीसरी बात आता है द्वितीय उपभोक्ता में, जिसमें मांसाहारी आते हैं। कहते हैं मांसाहारी वह प्राणी हैं जो दूसरे जंतु एवं उनके उत्कों का आहार करते हैं। अंत या द्वितीय एवं तृतीय चतुर्थ स्तर के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे मेढक द्वितीय स्तर का उपभोक्ता होता है क्योंकि वह टिड्डे का भक्षण करता है जो शाकाहारी है। इसमें सांप द्वितीय स्तर का उपभोक्ता है क्योंकि वह दूसरे मांसाहारी मेढक का भक्षण करता है। और मेढक सांप कुत्ता बिल्ली बाघ सभी मांसाहारी हैं क्योंकि सामान्यतः मांसाहारी जीवों का कार्य उच्चतम स्तर पर बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार जो है ये कंडीशन आगे बढ़ता जाता है। उसके पश्चात है पांचवा जो है अपघटक। देखिए अपघटक वो होते हैं जो खाद्य श्रृंखला के अंतिम पोषण स्तर का निर्माण करते हैं। अपघटक वे जीव हैं जो समस्त पोषण स्तरों को मृत कार्बनिक पदार्थ जिसमें जो अपर डेंड्रिटिक्स कहलाते हैं। यानी मान लीजिए अगर सारे उपभोक्ता हैं अगर मर भी जाते हैं तो ये जो होते हैं अपघटक उनको गला सड़ा देता है। यानी उन सारे को गलाने सराने के लिए अपघटक जो होता है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। कहते हैं कि अगर भक्षण करते हैं और उनके पोषक तत्वों को अनुचक्रण में सहायता करते हैं यानी दोबारा जो है ये पौधों दोबारा जो है खाद में उर्वरक के रूप में उसको परिवर्तन कर देते हैं जो दोबारा ही पौधों को प्राप्त हो जाता है। इनको दो समूह में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सूक्ष्म अपघटक एवं वृत्तीय अपघटक। सूक्ष्म अपघटक जो है अत्यंत जीव छोटे होते हैं जिसमें जीवाणु कवक और आदि जीव हो सकते हैं। और वृत्तीय जो है घटकों में उदाहरण हो सकता है इसमें टेगस मैट्रस मिलीपीडस कुम्मी फीता कुम्मी कोक्रे आदि घेंगे सब इसमें सम्मिलित होते हैं। तो याद रखना अपघटक दो प्रकार के होती है सूक्ष्म अपघटक और जो है वृत्तीय अपघटक। सूक्ष्म में जो होते हैं बहुत माइक्रो होते हैं जो दिखते नहीं है बट होते हैं और वृत्तीय अपघटक में दिखते हैं और वो अपघटक करते हैं। अगर कुछ टर्म यहाँ पर देखा जाए तो हमारे समक्ष कुछ टर्म आया है विशेष अपसरण समूह। देखिए सबसे पहले है अपमार्जक यानी हम स्केनवेजर कहते हैं इसको अपमार्जक को। ये हुए जीवित मृत पादे एवं जंतु को अपना आहार बनाते हैं। यानी आप याद रखना अपमार्जक का मतलब होता है कि जो मरे हुए जीव पर फीडिंग करके अपना जीवन यापन करते हैं उसे हम अपमार्जक कहते हैं। ये जीव मृत पादे एवं जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं। उदाहरण के लिए दीमक और विट्टल आदि सड़ती लकड़ियों के भोजन प्राप्त करते हैं और इनमें अनेक जो है कशेरुकी जलीय जंतु भी शामिल होता है जैसे गिद्ध समुद्री पक्षी और जो है लकड़बग्घा अपमार्जक जीवों के अन्य उदाहरण हो सकते हैं क्योंकि ये मरे सरे गले चीज़ों को खा के अपना जीवन यापन करते हैं। उसके पश्चात है सर्वभक्षी यानी सर्वहारी। देखिए सर्वभक्षी पादप एवं जंतु शत्रुओं को आहार के रूप में लेते हैं। उदाहरण मानव कुछ सर्वभक्षी जीव जैसे रेड फ्रॉक्स लाल लोमड़ी ठीक है सरस फलो कुर्तको और मृत जीवों से आहार प्राप्त करते हैं। अंततः यह शाकाहारी मांसाहारी और अपमार्जक भी होते हैं। यानी ये जो है सर्व भक्षी होते हैं यानी सभी चीज़ों को जो है भक्षण कर सकते हैं। उसके बाद है परजीवी। परजीवी का मतलब होता है कि दूसरे के शरीर पर रह के अपना जीवन यापन करता हो यानी परजीवी कहलाता है। ये जीवित प्राणी पर निर्भर करते हैं और उनके भोजन प्राप्त करते हैं। परजीवी परपोषी न केवल जीवित प्राणियों को पोषण प्राप्त करते हैं उनमें घातक एवं आघातक रोग भी उत्पन्न करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अगर बालों में अगर जू होता है तो वो भी आपके लिए परजीवी हो जाता है। पेट में अगर बॉम्ब्स कीड़े हैं तो वो भी परजीवी होते हैं जो कि आपके अंदर रह के आपके ही ब्लड को चूसते हैं और आपको कई प्रकार की बीमारी को भी देते हैं। और अंतिम बात यही रहता है कि खाद्य श्रृंखला में मनुष्य का स्थान। देखिए खाद्य श्रृंखला में अगर मनुष्य का स्थान देखा जाए तो मनुष्य जो उपभोक्ता और प्रथम द्वितीय व तृतीय उपभोक्ता क्रम में अव्यवस्थित हो सकता है। शाकाहारी मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है जब वह छोटी मछली या जो मुर्गी के चूजे या बकरी का मांस आदि अपने भोजन में लेता है तो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। और जब मनुष्य बड़ी मछली का भक्षण करते हैं तो उन्हें तृतीय उपभोक्ता कहते हैं। क्या आप इस बात का व्याख्या भी जान सकते हो कि बड़ी मछली छोटी मछली अन्य मछली छोटी जलीय जंतु को अपना आहार क्यों बनाती है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए देखते हैं कौन करता है। तो यही बात याद रखना कि मनुष्य जो है खाद्य श्रृंखला में तीनों कैटेगरी को जो है ये फॉलो करता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है हमारा फूड बेब जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह आप त्रिपान सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लिंक को जो है कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना मत भूलिएगा।